नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आखिर किसकी शह पर यह हुआ? जांच में पुलिस ने एमसीडी के कितने अधिकारियों को जेल भेजा? हाईकोर्ट राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत की जांच क्या सीबीआई से करवाएगा? पटियाल के परीक्षण का सबसे पावरफुल इंपैक्ट। दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है? क्या हाईकोर्ट कोचिंग सेंटर के मामले की जांच सीबीआई को देगा? दिल्ली में मौत के बंकर की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर केस में आज पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत बड़ी जीत हुई है। पटियाल की पावरफुल मुहिम पर हाईकोर्ट ने कैसे मोहर लगाई और हमारी मुहिम का इंपैक्ट क्या हुआ? 3 आईएएस एस्पिरेंट की मौत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अफसरों को किस तरह से झाड़ लगाई, कैसे उनको धोया? लापरवाह सरकार और अफसरों की कितनी गलतियां जज साहब ने आज गिनवाई? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल अपने पहले परीक्षण में इन्हीं सवालों को सबूतों के साथ हल करेगा। दिल्ली सरकार और अफसरों को हाईकोर्ट ने जो आईना दिखाया है उसमें उनके चेहरे पर धूल और बढ़ती हुई दिख रही है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर कौन कौन से सवाल खड़े किए हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर की 2 बड़ी बातें जान लीजिए। पहली, दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर बेसमेंट केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। दूसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी से 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने यही मांग की थी, 3 स्टूडेंट्स की मौत के केस में क्यों ना अफसरों और सरकार पर हत्या का मुकदमा चले? दिल्ली पुलिस एमसीडी के अफसरों और फील्ड स्टाफ को कैसे जांच के दायरे से बाहर रख रही थी? सरकारी लापरवाही की जांच क्यों ना हो, जिसके कारण अभी भी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों की जान जोखिम में है। पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो जनहित में सिर्फ आप लोगों की बात करता है, निडर होकर पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार से सीधे सवाल पूछता है, आगे यह पूछता भी रहेगा क्योंकि पटियाल के लिए जनहित सर्वोपरि है। पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सीबीआई की जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी निगरानी होनी चाहिए। सीबीआई का हम स्वागत कर रहे हैं, बट उसको एक्शन इमीडिएट चाहिए हमें। हमारी ये डिमांड थी कि ये जांच सीबीआई को सौंपे, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पे जांच होनी चाहिए और जो जांच हो वो स्टूडेंट के सामने आए। जो डिसीजन है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, ये तो बहुत सराहनीय है, हम प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने भी ड्राफ्ट दिया है उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। हम टाइम पीरियड चाहते हैं कि कब होगा ये। जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है कि कैसे काम चल रहा है। बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे काम चल रहा है, कैसे काम नहीं चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।